नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज शनिवार है, यानी कि रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन। आपको पता है कि तीन लोग शनिवार के दिन जेल मैनुअल के हिसाब से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचते हैं। आपको पता है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं और ख़राब तबीयत की वजह से उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में लंबे समय से रखा गया है। पिछली बार उनसे तेजस्वी यादव मुलाकात करने गए थे, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, अहले सुबह रांची पहुंच गए हैं अपने पिता से मुलाकात करने के लिए। आज शनिवार का दिन है, तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको हमने पहले भी खबरों में दिखाया था कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उनकी जो बेल मिलने की प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी देरी हो रही है। सुनवाई टलती जा रही है और देरी हो रही है इस प्रक्रिया में, और लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो लगातार ख़राब होती हुई आपको भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि उमेश प्रसाद जो उनके डॉक्टर हैं उन्होंने भी बताया था कि उनकी जो किडनी है वो बहुत हद तक काम करना बंद कर दी है। ज़्यादातर परसेंटेज ऐसा हो गया है जहाँ पर लालू प्रसाद यादव की किडनी ख़राब हो चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। बीपी और शुगर की तो उनको परेशानी थी ही, साथ ही साथ किडनी की जो परेशानी है वो लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है। तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे, पिछले शनिवार को उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी। काफ़ी चर्चा भी हुई थी इस बात को लेकर जब तेजस्वी यादव रांची पहुँचे थे, क्योंकि चुनाव के बाद वो थोड़ा गायब से दिखे थे, कुछ कुछ जगहों पर दिखे भी। किसानों को लेकर जो एक बार आंदोलन हुआ उसमें दिखे, उसके बाद पूरी तरह से राजनीति से नदारद हो गए थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी काफ़ी सवाल कर रहा था। फिर वो मिले थे अपने पिता के पास, तब पता चला था कि तेजस्वी यादव रांची पहुंचे हैं, और आज तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे। तेज प्रताप यादव की भी कई तस्वीरें आपने कुछ दिनों पहले देखी होंगी, जहां पर वो अलग ही अवतार में दिखे थे, आपको धोती पहने दिखाई दिए होंगे, सर पर मोरपंख लगाए कृष्ण के अवतार में, जैसा कि तेज प्रताप यादव अपने अनोखे लिबासों के लिए जाने जाते हैं, अनोखे अवतार के लिए जाने जाते हैं हर बार। तो कुछ दिनों तक बिहार से बाहर थे, उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे तेज प्रताप यादव, कृष्ण नगरी में घूम रहे थे, उसके बाद आज वो रांची पहुंचे हैं, जहां पर पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है, उन्हें लगभग सभी मामलों में बेल मिल चुकी है, बस एक मामला अटका हुआ है, दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला। उस मामले में लालू प्रसाद यादव को बेल मिलनी है, जिसको लेकर सुनवाई की जो तारीख है वो दिन ब दिन टलती जा रही है। बीच में लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसको लेकर उन पर फिर से FIR दर्ज भी हुआ, अब उस पर भी कार्रवाई चलनी है। और अब बेल को लेकर जो बात है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रांची हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि आप इस बात का हमें पूरा ब्यौरा दीजिए कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव की जो सज़ा है वो आधी हो चुकी है या नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पक्ष से ये आधार बनाया गया था कि आधी सज़ा पूरी हो चुकी है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुँचे हैं। लंबे अरसे बाद तेज प्रताप यादव रांची गए हैं, जहाँ पर वो पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। तीन लोग हर शनिवार को उनसे मुलाकात करते हैं, जिनमें से आज एक तेज प्रताप यादव होने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि और दो लोग कौन होते हैं, और जब तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं तो क्या कुछ बातचीत होती है, बिहार की राजनीति पर क्या चर्चा होती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।